हेलो स्टूडेंट, बेस्टी अर्थशास्त्र की इस वीडियो में आज बात करेंगे बेस्टी अर्थशास्त्र के अर्थ, विशेषताएं और बेस्टी एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। ठीक है, तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि बेस्टी अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, उसके अर्थशास्त्र क्या क्या है एवं बेस्टी और समष्टि अर्थशास्त्र में कौन कौन से अंतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्टी अर्थशास्त्र के अर्थ की। बेस्टी अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? बेस्टी का अर्थ होता है सूक्ष्म, यानी कि छोटा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो। ठीक है, यानी कि बेस्टी अर्थशास्त्र क्या होता है? बेस्टी अर्थशास्त्र के अंदर आपको पता है अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की समस्याओं का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र में क्या करते हैं? अर्थव्यवस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंदर अर्थव्यवस्था की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अब क्योंकि ये सूक्ष्म है, सूक्ष्म मतलब होता है अर्थव्यवस्था की जो छोटी छोटी समस्या होती है, अर्थव्यवस्था की छोटी समस्याएं, यह अपने अर्थव्यवस्था की जो व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं जिसका हम सामूहिक रूप से अध्ययन नहीं कर सकते, व्यक्तिगत समस्याएं जिनका हम सामूहिक अध्ययन नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत उन समस्या को शामिल किया जाता है। इसका मतलब होता है कि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म या व्यक्तिगत इकाइयों या समस्याओं का अध्ययन किया जाता है अब बात करते हैं कि वो व्यक्तिगत इकाइयाँ क्या क्या हैं। ठीक है ना, उदाहरण के लिए वो व्यक्तिगत इकाइयाँ क्या क्या है जिसका अध्ययन कर सकते हैं। वो व्यक्तिगत इकाइयाँ जैसे हम बात करें एक फर्म की, यानी कि एक फर्म की, ठीक है ना, किसी एक वस्तु की कीमत की है, केवल एक का होता है। ठीक है ना, एक बाजार होता है, ठीक है ना, एक उपभोक्ता होता है या फिर एक उत्पादक होता है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर अध्ययन किया जाता है। जहाँ पर एक व्यक्तिगत इकाई होती है, यहाँ सबका व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब बात यह आती है जब इसका अध्ययन किया जाता है व्यक्तिगत इकाइयों का, तो इस बाजार में सबसे मेन चीज़ क्या होता है, यानी कि उपकरण क्या होता है। ठीक है ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन चीज़ों को अध्ययन किया जाता है, उनका मेन बेस क्या होता है? इसका मेन बेस होता है मांग एवं पूर्ति, जिसके द्वारा पूरा बाजार उपभोक्ता उत्पादक वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है और इस पर डिपेंड करता है, यानी कि इसको कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के उपकरण। ठीक है ना, तो ये तो हो गए, यानी कि सिंपल सी बात है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसके अंतर्गत स्वतंत्र, सूक्ष्म एवं व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन सी व्यक्तिगत इकाइयां वो आपको पता चल गया है। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन कौन सी विशेषताएं, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहली विशेषता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है। ठीक है, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयां, यानी कि जैसे एक फर्म, एक वस्तु, एक बाजार, उपभोक्ता आदि का, जिनका व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है, सामूहिक रूप से नहीं किया जाता है। नंबर टू, इसके अंतर्गत अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन किया जाता है। अति सूक्ष्म मतलब बिल्कुल छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे फर्म हो गया, एक फर्म, यानी कि एक एक का, एक फर्म हो गया, एक उद्योग हो गया, एक उपभोक्ता हो गया, एक उत्पादक हो गया, इन सब का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट,
इसके अंदर वस्तु की व्यक्तिगत कीमत का निर्धारण होता है, वस्तु की व्यक्ति एक वस्तु की कीमत का निर्धारण जैसे होता है, और यहाँ पर वस्तु की कीमत का जो निर्धारण होता है मूल्य निर्धारण होता है किसके द्वारा, मांग एवं पूर्ति शक्तियों के द्वारा, जो कि बाजार के सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है, बाजार की शक्ति कहलाता है मांग, क्योंकि वस्तु का निर्धारण उसकी मांग कितनी है और उसकी पूर्ति कितनी है उसके आधार पर निर्धारित होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इसके जो प्रमुख उपकरण है, प्रमुख उपकरण जो है इसके व्यष्टि अर्थशास्त्र के, वो क्या क्या है। सबसे पहली बात तो है समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इस पर इसके अंतर्गत कीमत संयंत्र जो कि मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है ना, ये होगी इसकी विशेषताएं। अब हम बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। नेक्स्ट, व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी तरफ लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में कौन कौन से प्रमुख अंतर है, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अंतर के बारे में, तब को अंतर के बारे में पता होना चाहिए कि दोनों में कौन कौन से मेन जो है डिफरेंस है, और डिफरेंस का अगर मान लीजिए 4 मार्क्स में डिफरेंस पूछा गया है तो आप कम से कम 4 मार्क्स में है तो 5 डिफरेंस लिखेंगे, 5 मार्क्स 6 मार्क्स में कम से कम 7 डिफरेंस लिखेंगे। तो इसके प्रमुख अंतरों की अगर बात करते हैं, सबसे पहला अगर अंतर है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है, ठीक है ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामूहिक एवं बृहद यानी कि बड़ी इकाइयों का अध्ययन होता है, ठीक है ना, क्योंकि समष्टि मतलब बड़ा होता है बृहद होता है, तो इसके अंदर सामूहिक इकाइयों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें, ये जो है ये इस बात पर है पूर्ण रोजगार की मान्यता, इस पर क्योंकि एक की बात करती है अब वो रोजगार पूर्ण होता है, पर पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित होता है, पर आधारित, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र जो है अपूर्ण रोजगार पर आधारित होता है, अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, इसकी केंद्रीय समस्या, व्यष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या है, इसकी केंद्रीय समस्या कीमत निर्धारण है, ठीक है, कीमत निर्धारण, यहाँ पर ये देखा जाता है वस्तु की कीमत का किस पर कीमत निर्धारण है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या, इसकी प्रमुख समस्या जो है रोजगार का निर्धारण, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में रोजगार में वृद्धि कराया जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें, क्योंकि ये केवल व्यक्तिगत अध्ययन करता है, इसमें केवल व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन होता है, ठीक है, जब व्यक्तिगत समस्या का अध्ययन होता है तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो व्यक्तिगत वो सामाजिक समस्या हो, यानी कि जो व्यक्तिगत समस्या का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र का, जरूरी नहीं है कि वो सामाजिक समस्या हो, ठीक है ना, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक समस्या हो, यानी कि पूरे समाज की, देश की, सामाजिक या देश की समस्या का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंतर्गत
साधनों के कुशल बंटवारे से संबंधित सिद्धांतों व नीतियों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि समाज में जो जो साधन है उस साधनों का किस प्रकार से कुशल बंटवारा किया जाए उस संबंधित समस्याओं का या नीतियों का अध्ययन किया जाता है, जबकि इसके अंतर्गत पूर्ण रोजगार तथा उनके विकास, यानी कि साधनों के द्वारा पूर्ण रोजगार किस प्रकार से उन एवं उन साधनों का विकास से संबंधित सिद्धांतों एवं नीतियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है 6, यह जो है इसका विश्लेषण, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण, इसका अध्ययन करना सरल होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण जटिल होता है, क्योंकि ये जटिल अवधारणा है, ठीक है ना, और थोड़ा सा व्यष्टि अर्थशास्त्र की तुलना में टफ होता है। और सबसे लास्ट पॉइंट हम बात करेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो उपकरण, प्रमुख उपकरण है वो कौन कौन से हैं, मांग एवं पूर्ति है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के उपकरण क्या क्या है, क्योंकि समष्टि है तो हमारे पास समग्र मांग एवं यानी कि एडी तथा समग्र पूर्ति यानी कि एएस, ठीक है। तो ये हो गया आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड फुल कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम बात करेंगे व्यष्टि एवं समष्टि में संबंध।